नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दिल्ली की सीमाओं पर धरने पर किसानों के इस धरने के चलते कई साइड इफेक्ट भी देखने को मिल रहे हैं, वो इन्हें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि बॉर्डर बंद होने से दूसरे छोटे और गरीब किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। किसानों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। दिल्ली में किसान आंदोलन के कारण सब्जी की सप्लाई बंद है, इसलिए पंजाब और हरियाणा की मंडियों में किसानों की सब्जी नहीं बिक रही। किसानों की गोभी 2 रुपए किलो बिक रही है। कई जगह तो किसान गोभी फेंक कर जा रहे हैं और मंडी के आसपास जानवर गोभी खा रहे हैं। आंदोलन का असर हाईवे के पास की इंडस्ट्री और ढाबों पर भी पड़ने लगा है। सिंगू बॉर्डर पर कंपनियों को रोज करीब 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आंदोलन के साइड इफेक्ट क्या क्या है। किसान आंदोलन के एक और प्रयोग की रिपोर्ट आई है जो सीधे खेतों और मंडियों से आई है, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट खेत में काम करने वाले किसान और आम आदमी पर पड़ा है। ये लुधियाना की रिपोर्ट है। पंजाब के किसानों की गोभी रुक गई। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में गोभी की जबरदस्त पैदावार होती है। जाड़े की खास फसल है गोभी। मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। आंदोलन की वजह से गोभी बाजार तक नहीं पहुंच पा रही। मंडियों तक जाना मना है। हाईवे जाम चल रहे हैं। दूसरे शहरों तक सब्जी जाने की गुंजाइश नहीं है। इन महीनों में जो गोभी 15 से 30 रुपए किलो बिकती थी, हालत ये है कि उस गोभी को किसान 2 रुपए और 1 रुपए किलो में बेच रहे हैं। जो गोभी बिक नहीं पा रही है वो खेतों में सड़ रही है या मवेशी खा रहे हैं। 2-2.5 रुपये बिकी है और इस विच की कुछ कोई पैसा नहीं बचता हैगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਉਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਬਚਣ 'ਤੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੇਚ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ 4 ਪੈਸੇ ਵੱਟੇ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਹੈਗਾ। सुन लिया आपने, किसान आंदोलन से खेत में काम करने वाले किसानों की हालत क्या है। सिर्फ किसान ही क्यों, किसान से जुड़ा हर आदमी डायरेक्ट प्रभावित हो रहा है। वो कैसे, तो उस पूरी चेन को समझिए। किसान की फसल मंडी तक नहीं पहुंची, मंडी तक नहीं पहुंची तो आढ़त और थोक कारोबार प्रभावित हुआ। ढुलाई वाले पल्लेदारों का काम कम हुआ। ठेले ठेलियां खींचने वालों का काम ठप हुआ। सप्लाई चेन बाधित होने से छोटी मंडियों में सब्जियों के ढेर लगे। बड़े शहरों में सब्जी की आवक घटी। खुदरा सब्जी कारोबारियों पर सीधा असर पड़ा, जिससे आम आदमी सीधे प्रभावित हुआ। क्या लगता है जो दाम इतने गिर गए सब्जियों के? दाम इसलिए गिरे ना भैया, और दिल्ली में माल नहीं जा रहा, वहाँ से माल आ रहा, लेट आ रही है गाड़ियाँ, इस कारण माल गिर गया, सारा रेट गिर गए। सारा माल इधर डाइवर्ट, माल इधर सारा पंजाब में डंप लग रहा है, उधर जा नहीं रहा दिल्ली में। मौसम के तो देखो, इतने सालों से काम हो रहा था तो कभी ऐसा होने कि इतने कम रेट हो जाएं। होते हैं, कभी कभार होते हैं, इतने ज़्यादा एकदम से नहीं होते। बाकी ये है कि इनकी सप्लाई जो और जगह पे नहीं जा रही है, जो दिल्ली की जो प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से जो रेट काफ़ी कम हुए हैं। जो उधर से वो माल आ रहे हैं उसके रेट कम हुए हैं। पीछे रास्ते में माल रुक जाते हैं या ट्रांसपोर्टेशन में पड़ जाती, खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है, रेट कम मिलता है इसका, यहाँ रोज घाटा पड़ रहा है। हालत यह है कि इधर किसान सब्जियों को औने पौने दाम पर बेचने को या फिर मवेशियों को खिलाने को मजबूर हैं, लेकिन विडंबना यह है कि ये तस्वीरें न किसान नेताओं को दिख रही हैं और न ही सरकार को। यहाँ पे सरकारों को बात सुननी पड़ेगी, वे आज सुन लें, वे 10 दिन में सुन लें। हम बात से इसका समाधान चाहते हैं, ठीक है? किसान वापसी नहीं जाना यहाँ से, सरकार आज सुन ले या 10 दिन में सुन ले। मुझे लगता है जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकलेगा। अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। किसान आंदोलन की एक तस्वीर ये भी है जो आपको अच्छा एहसास दिलाएगी।
नोएडा वाली सड़क पर कुछ किसानों ने इसे समझा। जाम से नुकसान किसान का ही है, किसान से लेकर आम आदमी पर इसका असर पड़ रहा है, लिहाजा उन्होंने रास्ता खोल दिया। सिंगू बॉर्डर से किसानों की पिज्जा खाने की तस्वीर आई। अच्छा है किसान पिज्जा खा रहे हैं। देश की किसानों की ऐसी ही तस्वीर तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसी सिंगू बॉर्डर से एक और तस्वीर आई जो चिंता में डालने वाली है। गंदगी फैली हुई है, टॉयलेट तक की दिक्कत हो रही है। यहाँ व्यवस्था है, यहाँ आंध गुआंध के जो लोग हैं बहुत प्यार कर रहे हैं, वो अपने घर खोल रहे हैं। लेडीज के लिए अलग बाथरूम खोला जाता है और आदमियों के लिए अलग बाथरूम किया जा रहा है। मोबाइल चार्जर के लिए हमें दे रहा है। जो हरियाणा या भाई भाई है उसकी पूरा आपने अगर दिखाना होगा सभी यहाँ है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, सरकार कोई मदद नहीं कर रही, ना पानी की ना सफाई की। यहाँ सफाई की बहुत मुश्किल है, मच्छरों की बहुत मुश्किल है, कोई व्यवस्था नहीं कर रही। अपने खुद हमने मशीनें लेकर रखी हैं, अब मच्छरों की मशीनें बूमर लाए रखे हैं, वो मार रहे हैं, तो सफाई खुद ये हमारे इवेंट वॉलंटियर है वो कर रहे हैं। सरकार की तरफ से तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा वो ट्रॉली है, टॉयलेट वाली लेके आए थे, उसमें पानी भी नहीं है। ठीक है, वो तो ऐसे एक खाना पूर्ति की हुई है, दिखावे के लिए है, कुछ नहीं है उसमें। तो जैसे हम घर में रहते हैं वैसे सारी ट्रालियों का डाले झाड़ू लगा के सारा कूड़ा हम लोग बाहर लेके चलते हैं। सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि हम भी हिंदुस्तान के सिटीजन हैं। जहाँ पर जो इतने इतने लोग हैं ये हिंदुस्तान के सिटीजन हैं, कोई जंग लड़ने नहीं आए हैं, ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है, दैट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द डेमोक्रेसी। जो किसान भाई आंदोलन में हैं, उनके हाइजीन का ख्याल रखना जरूरी है। इनकी शिकायत है कि हालात बदतर हैं, सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है, दिन पर दिन पारा गिरता जा रहा है, खुले आसमान में किसान आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में इनके बीमार होने का खतरा ज्यादा है। ऊपर से अगर उन्हें टॉयलेट पानी जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो चिंता और भी बढ़ जाती है। टीकरी बॉर्डर का तो और भी बुरा हाल निकला। संवाददाता भास्कर मिश्रा ने जो अपनी आंखों से देखा वो बेहद डराने वाला था। टीकरी बॉर्डर पे पिछले 19 दिन से हजारों की संख्या में किसान बैठे हैं, और उस हिसाब से अगर देखें तो यहाँ सुविधाएं नहीं है, गंदगी है, परेशानी है। यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ देखिए पानी लगा हुआ है कई दिनों से, प्लास्टिक है, कचरा है, हर जगह दिक्कत है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं, वो अपनी मांग को लेके अड़े हैं। सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है पानी के, टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। आप इस आसपास देखें कि सिर्फ 2-3 टॉयलेट है इस तरह के, जिसमें 5 अलग अलग केबिन बने हुए हैं, और कुल हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग हैं, और उसके बावजूद सिर्फ 3 यहाँ पे टॉयलेट दिख रहे हैं। जहाँ आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से इस्तेमाल हो रहा होगा, और टॉयलेट का हाल देखिए कि इसमें पानी नहीं आ रहा है। जो लोग यहाँ आसपास रहते हैं वो ये कह रहे हैं कि खुद जो पीने वाला पानी है वो लेके हम लोग टॉयलेट पहुँचते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ का जो इलाका है वो देखो पूरा गंदगी का अंबार है, हर जगह कीचड़ है, हर जगह प्लास्टिक है, सब्जी है। जो आसपास जो सफाई कर पाते हैं वो किसान कह रहे हैं वो खुद साफ सफाई करते हैं, बाकी किसी भी तरह से और कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे गाजीपुर बॉर्डर पर थी। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों से बात की। लोगों ने बताया कि टॉयलेट कम है, सरकार की तरफ से सिर्फ 15 बॉक्स टॉयलेट और एक टॉयलेट व्हीकल का इंतजाम किया गया है। लोगों को आसपास के इलाकों में या फिर 2 किलोमीटर दूर गुरुद्वारे तक जाना पड़ता है। ये हमारी सेवा के द्वारा सब व्यवस्था की गई है, सरकार तो विफल हो गई है, सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। सरकार तो चाहती है ना व्यवस्था मिले ना टूट जाए। वो ही इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, उसकी पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार करे। टॉयलेट की तो परेशानी है, गवर्नमेंट की तरफ से टॉयलेट की तो परेशानी है। शौच मुक्त का नारा बना दिया है ना इन्होंने, बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, जीरो है। ठीक है, बिल्कुल जीरो है। हमारे साथ माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, सभी को समस्या है। 2-3 किलोमीटर गुरुद्वारा है, वहां जाना पड़ता है। आंदोलन कर रहे किसान भाइयों की सेहत दुरुस्त रहे, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आंदोलन की वजह से आम आदमी को परेशानी न हो, इसका ख्याल भी किसानों को रखना चाहिए, क्योंकि आंदोलन का एक दूसरा चेहरा दिल्ली बॉर्डर के पास के ढाबों से आया। हाईवे चल रहा था तो ढाबे भी चल रहे थे। 19 दिन से गाड़ियों की लाइन लगी है, भीड़ बहुत ज्यादा है, लंगर चल रहे हैं, सब लंगर में चले जाते हैं, ढाबे के काम बंद हो गए हैं और ढाबे में काम करने वाले बेरोजगार, जो कभी सभी को खाना खिलाते थे वो आज दाने दाने को मोहताज हो गए हैं।
सिंगू बॉर्डर से रिपोर्ट आई है कि आंदोलन की आग ने ढाबों के कारोबार को झुलसा दिया है। आप खुद ही सुनिए। जब से हमारा काम कुछ डाउन है बहुत, यानी पहले 2000 का था, अब 1000 का भी कम नहीं है। ऐसे तो हम तो देख रहे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये लोग आए, इनके लंगर चल रहे हैं बाकायदा, सब दही दूध हर चीज है यहाँ पे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद बंगाल की सियासी लड़ाई कैसे इलेक्शन कमीशन तक पहुंची आपको बताएंगे।